हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं सर? बस अच्छा हुआ एकदम। बस सर, सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजेंद्र सिंह विक्रम सिंह जडेजा है। ओके। मैं पोरबंदर का रहवासी हूँ और मैं भी काठियावाड़ी घोड़े 1991 से ब्रीड करता हूँ। पहले तो मेरे पास काठियावाड़ी, मारवाड़ी, सिंधी सब रखता था मैं, बट समझिए कि 1997 से लेके अब तक मैं सिर्फ काठियावाड़ी घोड़े ही खरीद के, सरकार के जो ऑक्शन होते थे, पहले फार्म थे इंगोड़गढ़ और जूनागढ़, पहले दो फार्म थे और सॉरी इनाज और जूनागढ़ थे फार्म, उसमें से खरीद ऑक्शन में से मैंने खरीदे थे। फिर अभी इंगोड़गढ़ एक फार्म हो गया, जूनागढ़ का फार्म बंद कर दिया है। फिर 1994 से मैं ये काठियावाड़ी मारवाड़ी अश्वपालक सहकारी मंडली करके गोंडल में एक संस्था कार्यरत थी। ओके। और वो संस्था हमारे जो पूज्य आचार्य श्री घनश्याम जी गोंडल भुवनेश्वरी पीठ के है आचार्य, उस वो चला रहे थे। ओके। तो उसमें मैं ज्वाइंट हुआ साथ में और उसके बाद धीरे धीरे 3-4 अश्व शो के अंदर हमने काम किया और जो काठियावाड़ी घोड़े के जो एकदम मास्टर कहा जाते थे, जो अथॉरिटी कहा जाते थे, श्री आर डी झाला साहब जो रिटायर्ड IPS अधिकारी है, अभी तो काफ़ी एज हो गई है 85+, तो वो बाहर जा कम नहीं निकलते। फिर वो हमारे सत्यजीत खाचर जसदन दरबार साहब है, फिर स्वर्गीय पुंजावाला साहब सांतली दरबार साहब थे, फिर उसके छोटे भाई नाना बापू थे, तो उन लोगों से काफ़ी हमको जानकारी मिलती गई, हम उससे सीखते गए, उन लोगों की बातें सुनते गए और काठियावाड़ी घोड़ों के अंदर काफ़ी हमारा लगाव बढ़ता गया। तो सर, अभी जो काठियावाड़ी की जो ये संस्था है जिसका ये बैनर लगा हुआ है, तो इस संस्था के अंदर अपना क्या पद है या फिर क्या अपनी भागीदारी है? मैं इस काठियावाड़ी मारवाड़ी सहकारी मंडली के का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ओके। और अभी जो गुजरात सरकार ने एक स्कीम बनाई है उसमें दो एसोसिएशन को मान्यता दी है। ओके। एक जो हमने काठियावाड़ी हॉर्स ब्रीडर एसोसिएशन बनाया और दूसरा है स्टडबुक सोसाइटी अहमदाबाद में है, वो मारवाड़ी के लिए है। ओके। तो जो काठियावाड़ी हॉर्स ब्रीडर एसोसिएशन है उसका मैं ट्रस्टी भी हूँ अभी। ओके। और हमने काठियावाड़ी हॉर्सेस को प्रमोट करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे, जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं जहाँ पे एक दो घोड़े होते थे और जो काठी कम्युनिटी राजपूत काठी थे उसको प्योर ब्रीड काठियावाड़ी ब्रीडिंग करने के लिए हमने काफ़ी जहमत उठाई है ये सब महानुभावों के साथ में। और एक समय ऐसा आया था अर्ली लेट 80s और अर्ली 90s में कि काफ़ी मिक्स ब्रीड हो गया था। ओके। लोग मारवाड़ से मारवाड़ी घोड़े लाते थे, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर से, और यहाँ पे वो वाड़ी घोड़े यूज़ करके करते थे काठियावाड़ी घोड़ियों पे, और उस टाइम के अंदर काफ़ी मिक्स ब्रीडिंग हो गया यहाँ पे वो 5-6 साल के अंदर। तो तब ऑलमोस्ट काठियावाड़ी घोड़े पूरे सौराष्ट्र के अंदर अगर आप देखने जाए प्योर ब्रीड के तो हार्डली 100-125 रहे थे। अच्छा। और बाकी तो जो मेले होते थे राजस्थान के, पुष्कर का मेला, बालोतरा का मेला और यूपी में, पंजाब में, तो वहाँ से सब जो व्यापारी लोग थे, सौदागर थे, वो आके यहाँ से छोटे यंग जो लोट होता था, यानी कि ये जो मैन बोले तो यानी कि मिक्स ब्रीडिंग थी, यानी कि जी हाँ मेन मिक्स ब्रीडिंग हो गई, यानी कि जो ओरिजिनल था वो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। और उसमें से काफ़ी जो अच्छे बच्चे होते थे ना वो ये व्यापारी लोग ले जाते थे और वहाँ पे यूपी में, पंजाब में, राजस्थान में वो बेच देते थे। तो फिर वहाँ पे वो स्टेलियंस और जो यहाँ से घोड़ी आ गई, बच्ची आ गई, वो वहाँ पे बड़ी हो जाती थी, फिर उसका वहाँ पे ज़्यादा और मिक्स ब्रीडिंग होता था। तो आज की तारीख में समझिए तो काठियावाड़ी घोड़े का लोही खून, मीन्स काठियावाड़ी घोड़े का ब्लड आपको हर इंडिजियस ब्रीड के अंदर मिलेगा। समझिए अगर मारवाड़ का कोई घोड़ा होगा तो उसका आप DNA करवाएंगे तो उसके अंदर भी आपको काठियावाड़ी के पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप पंजाब के कोई नुकरा होगा या कोई भी होगा उसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे, यूपी में भी मिल जाएंगे, और सिंधी के साथ मिक्स होके फिर और एक ब्रीड वहाँ पे हो गई। तो ऐसे काठियावाड़ी घोड़े प्रोमिनेंट ये ब्रीड को सुधारने के लिए काम हो। तो सर, आज के तारीख में अगर प्योरिटी की बात करें तो काठियावाड़ी में कितने % प्योरिटी वाले जानवर? अभी समझिए लास्ट 5-7 साल का मैं आपको बताऊँ तो जो
1920s और 30s में जो घोड़े थे ने, उससे भी अच्छे ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक्स के घोड़े दिखने मिलते हैं। ओके। क्योंकि उसका एक ही कारण है कि जो हमारे दो ब्रीडिंग सेंटर के फार्म थे, उसमें एक जूनागढ़ था पहले और एक निनाजबाद में बनाया था 1991 से। तो जो जूनागढ़ का फार्म था, वो जूनागढ़ नवाब साहब ने अच्छे से अच्छे काठियावाड़ी घोड़े वहाँ पे बुलाए, खरीदे हुए थे, और उसको ऑस्ट्रेलियन भी और मेज भी वहाँ पे थी, और उसके लिए गवर्नमेंट ने 7 या 8 ऑस्ट्रेलियन सेंटर्स रखे थे फ्री सर्विस के लिए। ओके। तो वो ऑस्ट्रेलियन सेंटर्स के घोड़े जो थे, उसका भी ब्रीडिंग लोकल घोड़ियों से होता था, तो उसलिए थोड़ी हमारी ये काठियावाड़ी घोड़े की जो ब्रीड है वो बच गई थी। ओके। फिर उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते करते आज की तारीख के अंदर आप समझिए तो हमारे पास 70-80% बहुत ही अच्छी ब्रीड के घोड़े हैं काठियावाड़ी में। और बाकी जो 20% है ना, उसके अंदर समझिए कि 60% काठियावाड़ी के हैं और थोड़े बहुत जो पुराने उसके अवशेष है वो भी मिल सकते हैं। बट अभी ओवर एंड ऑल हम बोला जाए ना, तो हमारा बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल रहा है हमको, और प्योरिटी पे काठियावाड़ी काफ़ी अच्छे दिखने मिल रहे हैं अभी। तो सर, अगर जैसे आपकी बात माने, या फिर जैसे कि मैं एक सारे ओवरऑल सारे घोड़ों की बात कर रहा हूँ, अपन किसी घोड़े की बुराई नहीं कर रहे हैं ना, तो अगर आपके हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि एक काठियावाड़ी घोड़ा मैं यूज करूँ तो क्यों यूज करूँ आपके हिसाब से? काठियावाड़ी घोड़ा 3 चीज़ों के लिए काफ़ी जाना जाता था। उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूँ तो, जो इतिहास का सबसे ज़्यादा डिस्कस किया हुआ घोड़ा है चेतक महाराणा प्रताप का, वो काठियावाड़ी घोड़ा था। ओके। क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी लिखा है काफ़ी गेजेटियर्स में, आप देखिए उसमें लिखा है राइडर्स ऑफ ए ब्लू हॉर्स। तो राइडर ऑफ ए ब्लू हॉर्स मीन्स वो ब्लू कलर का घोड़ा नहीं था, मगर वो रोजा कलर का घोड़ा था। और आज की तारीख में जो डेपल ग्रे रोजा बोलते हैं हम, वो जब उस पर पानी गिरता है या तो उस पर पसीना होता है तो एकदम ब्लूइश कलर की वो एक टिंट मिलती है उसमें दिखने के लिए आपको। और वो घोड़ा यहाँ पे हमारे चोटीला के पास में खोड़ करके गांव था, वहाँ का काठी दरबार के वहाँ पे जन्म लिए हुए दो बच्चे थे उसके, चेतक और नाटक, और वो दोनों घोड़े को खरीद के यहाँ से ले गए थे चित्तौड़ में देने के लिए। और फिर वो रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री में हम लोग बात सुन रहे हो। बिल्कुल। और ये बात मैं नहीं बोलता हूँ, या तो मैंने पढ़ी है और मैं आपको नहीं बोलता था, बट आप उदयपुर के जो म्यूजियम के अंदर आप देखेंगे तो जो चेतक का जो बख्तर है वहाँ पे, चेतक की जो काठी है वहाँ पे, वो साइज़ देखेंगे ना, तो साइज़ को आप ध्यान में रखते हुए अगर वो नाप साइज़ आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 14.5 या उससे थोड़ा ऊपर का घोड़ा था ये। ओके। काठियावाड़ी घोड़े की हाइट 13.2 से लेके 14.5 तक होती है। ओके। और कोई घोड़ा आपको 60 तक मिलेगा, कोई घोड़ा, क्योंकि वो डिपेंड होता है कि कैसी उसकी परवरिश की है, वो हिसाब से कोई मिलेगा आपको। यानी माने तो यानी कि 55 से 60 के बीच का नाप मिलेगा। 55 से 60 के बीच का ही नाप है। 60 का घोड़ा तो अभी दिखता ही नहीं है हमको। Okay. मैंने तो अभी मेरे समझिए 25 साल के करियर में, 30 साल के करियर में मैंने नहीं देखा है कोई भी। बट काफ़ी जो सावरकुंडला एरिया के जो घोड़े होते थे ना, वो थोड़े बड़े दिखते थे, उसका बॉडी स्ट्रक्चर और उसका बोन स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी था, क्योंकि वहाँ पे जो मिनरल्स मिलते हैं वो दूसरे घासों में नहीं मिलता है ऐसा, इसलिए। और सर, अगर काठियावाड़ी घोड़े की मजबूती की बात करें तो मजबूती में काठियावाड़ी घोड़ा क्या है इनकी? मजबूती में ऐसा है काठियावाड़ी घोड़ा कि ये घोड़ा लंबी रेस का घोड़ा है। लंबी रेस का घोड़ा मीन्स एंड्योरेंस रेस का घोड़ा है ये। ओके। इसको आप जितना लंबा चलाएंगे उतना ये घोड़ा और ताकत दिखाएगा अपनी। ये अगर फास्ट स्पीड में लेना है इसको तो ये शॉर्ट डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा घोड़ा है। शॉर्ट डिस्टेंस रेसिस मीन्स कि 700, 800, 900 मीटर तक की जो कोई रेस होगी तो उसमें काठियावाड़ी घोड़े को मैं मानता हूँ तब तक कोई अच्छे ब्रीड का घोड़ा भी इसको हरा नहीं सकता है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर जनरली हमारी ये जो रेसिस होती है ये टर्फ क्लब में वगैरह में, वो 1200 से 1500 से 2000 मीटर तक की होती है। तो वो जब उस 800 मीटर के ऊपर का जो डिस्टेंस है तब वो थोरोब्रिड आगे निकल जाता है, क्योंकि थोरोब्रिड इज मेड फॉर द स्टेमिना ओनली, स्टेमिना एंड स्पीड, उसको ब्रीड ही उसके लिए किया गया है। बिल्कुल।
तो मैं कंपेयर नहीं करता हूँ कि थोरोब्रीड से हमारा घोड़ा अच्छा है या फास्ट है, बट लॉन्ग डिस्टेंस में अगर थोरोब्रीड के साथ करे किया जाए ना तो काठियावाड़ी घोड़े भी कम नहीं है उसमें, कम नहीं है। और सर अगर काठियावाड़ी घोड़ों की वफादारी की बात करें तो काठियावाड़ी घोड़े नहीं, कोई भी घोड़े की वफादारी में बात करो तो जैसे उसका मालिक और उसका जो ध्यान रखने वाला उसके साथ बर्ताव करेगा वैसी उसकी वफादारी की, कोई भी जानवर की। ओके। काठियावाड़ी घोड़े की थोड़ी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले के समय में जब युद्ध के लिए इस ये घोड़े के इस्तेमाल किया जाता था तब हमारे घरों में राजपूतों के घरों में घोड़े की जो परवरिश होती थी वो स्त्रियों के हाथ में होती थी, वही खाना खिलाती थी उसको और वही उसका ध्यान रखती थी। वो इसलिए कि उसको वही मालूम था कि अगर युद्ध से मेरे पति को और मेरे सिंदूर को अगर बचा के कोई ला सकता है तो ये घोड़ा ही ला सकता है। बिल्कुल। क्योंकि वो समय ही ऐसा था, युद्ध का समय था कि एक बार आप गए, अगर आपके पास युद्ध करने की कोई कला नहीं है या तो शस्त्र चलाने की कोई कला का आप इतने अच्छे जानकार नहीं हो या तो घोड़े की जानकारी नहीं है आपके पास या तो अच्छा घोड़ा नहीं हो तो आप वहाँ से बच के वापिस आने का कोई भरोसा नहीं होता। तो तब स्त्री हमारे घोड़ों को ध्यान रखती थी तो इसलिए वफादार पहले से ही उस पर ट्रस्ट किया करते थे हम लोग। तो उस ट्रस्ट को अभी तक ये घोड़े ने भूला नहीं है, यानी कि वफादारी निभा रहा है। हाँ, वफादारी निभा। तो सर काठियावाड़ी घोड़ों में भी भवरियों का देखा जाता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये काठियावाड़ी घोड़े अरब घोड़े ये हमारी जो सोच है दोनों ब्रीड की वो ऑलमोस्ट समझिए एक जैसी है। अरब घोड़े के अंदर भी भंवरियों देखा जाते थे और काठियावाड़ी घोड़े में भी खरीदने से पहले हम लोग भंवरियाँ देखते हैं, मगर हमारे काठियावाड़ी घोड़े में जनरली ऐसा है कि हम जो 32 भंवरी या 64 भंवरी जो सालीहोत्र में लिखा है उतनी सब देखते नहीं है अभी। ओके। अभी इस समय में नहीं देखते, पहले ज़माने में तो करते होंगे जो, क्योंकि वहाँ पे वो उस प्रकार के अश्व के निष्णांत भी हुआ करते थे अश्वशालाओं में। अभी वो नॉलेज भी कम हो गई है सब लोगों की, तो हम जनरली जो कपाड़ की जो भमरिया होती है वो देखते हैं या उसके पेट की कोई भमरिया होती है वो देखते हैं या कांध की कोई भमरिया होती है वो दो तीन भमरिया देखते हैं। ओके। फ्रेंकली स्पीकिंग अगर मेरे पास 22 घोड़े हैं, मैंने आज तक कोई भी घोड़े की भमरी देखी नहीं है। अच्छा, एक ही भमरी? हाँ, एक ही भमरी देखता हूँ कि उसकी जो कपाड़ की भमरी है वो आँख से नीचे ना हो बस। ओके। बाकी कोई भमरी मैं देखता नहीं हूँ कि न तो उसकी वो जो एक आँख में टाँकी होती है और ये दूसरी आँख में एक, काफ़ी लोग बोलते हैं कि टाँकी कहीं न रखे बाकी हमारे में एक कहावत है, तो मैं उसको उल्टा सोच रहा हूँ कि टाँकी कहीं न रखे बाकी में टाँकी अगर होती है तो सब कुछ देती है वो। अच्छा। तो वो कहीं आज हमारे घर में कोई अगर एक बच्चा ऐसा पैदा हो गया कि जिसकी एक आँख सफ़ेद हो और एक आँख काली, तो उसको निकाल थोड़ी देंगे, तो निकल नहीं देते हैं। बिल्कुल। ये सब कहने सुनने की बात है अभी आज के ज़माने में। अभी आज के ज़माने में सबसे पहला तो हमारा यही ध्येय रहना चाहिए कि हम प्योरिटी कितनी मेंटेन कर सकते हैं इसको, इसके ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक कितने मेंटेन कर सकते हैं, इसका बॉडी स्ट्रक्चर का जो एक हमारे पास जो लिखा हुआ है शास्त्रों में लिखा हुआ है हमारे पास, उसमें हम कितना बदलाव ला के उसको अच्छी तरह से स्पोर्ट्स के अंदर या उसके जनरल यूज़ के अंदर हम कितना इसको रख सकते हैं उसी को पहले देखने का है। ओके। अभी वो भंवरियों का देखने का समय चला गया, मैं नहीं सोचता हूँ इसमें। तो सर अगर बात करें जैसे कि सरकार की, तो जैसे पंजाब में भी बहुत सारी रिंगे वगैरह होती है मारवाड़ियों के लिए, बहुत सारी जगह होती है, तो गुजरात सरकार क्या कोई कदम उठा रही है काठियावाड़ी को प्रमोट करने के लिए या नहीं? इसके लिए मैं ये कहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में गुजरात सरकार जैसा कोई सरकार नहीं है कि वो घोड़े का ध्यान रखती है, ऐसी कोई सरकार नहीं, क्योंकि सबसे पहले जब से आज़ादी मिली है 1947 में तब से हमारे पास यहाँ पे घोड़े का ब्रीडिंग सेंटर फार्म है। अभी वो ब्रीडिंग सेंटर फार्म जो नवाब छोड़ के गए थे यहाँ से उसको संभाला है गुजरात सरकार ने। ओके। फिर एक जूनागढ़ का फार्म को संभाला, फिर उसमें से दूसरा फार्म इनाज का किया, फिर वाड़ी घोड़ा का सेंटर्स किया 7-8 जिलों के अंदर, वो पूरे सौराष्ट्र के अंदर जो अभी आज की तारीख में काठियावाड़ी घोड़े का है वही किया, फिर एक हमारा मारवाड़ी घोड़े का चणासमा में फार्म किया है। ओके। अभी दूसरा एक फार्म भी वो लोग प्लान कर रहे हैं पाटण में, तो गुजरात सरकार की जो स्कीमें हैं यहाँ पे घोड़े की और गुजरात सरकार जिस तरह घोड़े का ख्याल करती है ब्रीडिंग में उतना दूसरे कोई नहीं। हाँ, दूसरे स्टेट के अंदर शो के प्राइजेस ज़्यादा होंगे या मेले ज़्यादा होते होंगे,
बट किसी के पास कोई भी ब्रीडिंग सेंटर पर जो ये सरकारी सेंटर बने हुए मेरे को लगता है गुजरात के अलावा इंडिया में कहीं नहीं है ना घोड़ों के लिए। इंडिया में कहीं भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं, कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं। राजस्थान में कुछ साल पहले केंद्र सरकार की ग्रांट लेके किसी ने 1-2 करोड़ में कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह बनाया था, मगर फिर 4-5 साल जब से वो उसकी जो पीरियड दिया था केंद्र सरकार का, वो जैसे ही खत्म हुआ तो वो इंस्टीट्यूट भी खत्म कर दिया। मीन्स वो पैसे का कुछ गोलमाल कर दिया इन लोग ने। ओके, तो लोग करते हैं बट गुजरात सरकार में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो गुजरात सरकार जिस तरह काठियावाड़ी घोड़ों का, हाँ अभी हम लोग की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ गई है गुजरात सरकार से कि अभी ये समझिए गिर गाय को लोग इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि एशियाटिक लायन को दे रहे हैं, तो काठियावाड़ी घोड़ों को क्यों नहीं? क्योंकि हिस्ट्री में एक काठियावाड़ी घोड़े भी एक पार्ट बन के रह चुके हैं। बिल्कुल, और ऐसी हिस्ट्री का पार्ट बना हुआ है हमारे काठियावाड़ के अंदर कि आज हर गांव आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक पाड़िया मिलेगा, आपको मंदिर मिलेंगे, तो उसमें आप वीरता की बात सुनेंगे तो उसके साथ घोड़ा जुड़ा हुआ ही है, काठियावाड़ी घोड़ा ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसके लिए हमारी सरकार ने जितना किया है उससे ज़्यादा का एक्सपेक्टेशन हमारे पास है। और भविष्य में अभी जो स्कीमें पशुपालन डिपार्टमेंट निकाल रही है यहाँ पे हमारे, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। हमारे जो अश्वशो होते हैं यहाँ पे 3, उसके लिए भी पर एक एक अश्वशो के लिए 25 लाख रुपया सरकार की ओर से ग्रांट मिलती है हमको, जो 3 दिन का हम अश्वशो करते हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि गुजरात सरकार ध्यान रखते, गुजरात सरकार बहुत ध्यान रखती है। बाकी मेरे को एक चीज़ ये भी अच्छी लगी, काठियावाड़ में जो यहाँ के लोग हैं जो काठियावाड़ी घोड़े रखते हैं उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने वीडियो बहुत जगह बनाए है ना, तो कुछ ऐसे नहीं बोलते कि सारे लोग एक जैसे रहते हैं, पर काठियावाड़ में मैंने देखा 80-95% लोग एक जैसे ही स्वभाव के हैं। देखिए काठियावाड़ इज फेमस फॉर उसकी मेहमान गति, मेहमान नवाजी के लिए काठियावाड़ बहुत फेमस है। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे पुराने ज़माने में ऐसा चल रहा था कि मेहमान एक दिन के लिए कुछ निमंत्रण देने आते थे ना, तो महीनों तक यहाँ रुक जाते थे। बिल्कुल, और फिर ऐसा भी हुआ है कि कोई मेहमान बन के आए तो उसको 1-2 गाँव दे के वहाँ का ठाकुर भी बना दिया, तालुकदार भी बना दिया। बिल्कुल, और ऐसी मिसालें हैं काठियावाड़ के अंदर मेहमान गति की। तो इसके लिए स्वभाव तो यहाँ पे लोगों का अच्छा रहना वो हमारे खून में है सबके, सब कम्युनिटी। ऐसा नहीं है कि राजपूत है या कोई बनिया है या ब्राह्मीण है लोहान, ऐसा नहीं। पूरे काठियावाड़ में अगर किसी के घर में कुछ नहीं होगा, एक धान का एक तिनका भी नहीं होगा, एक दाना भी नहीं होगा ना, तो भी वो अगर आप जाएंगे ना तो पहले वो पानी देंगे आपको, फिर बोलेंगे कि आपने खाना नहीं खाया तो हम आपको खाने का इंतजाम करते हैं। ये यहाँ की परंपरा रही है हमारे यहाँ। ये भूमि साधु संतों की भूमि बोलते हैं। हमारे यहाँ गिरनार है एक बाजू, द्वारका है एक बाजू, सोमनाथ है एक बाजू, ये चोटीला का गातराड़ माता का मंदिर है। तो आप हर जगह देखेंगे आपको संतों की भूमि है, साधु संतों की भूमि है। राजा रजवाड़े जो थे उसकी भी बड़ी बड़ी स्टोरियाँ है, और वैसे ही काठियावाड़ी घोड़े की भी इतनी स्टोरियाँ है, गाय की भी इतनी स्टोरियाँ है। लायन के साथ दोस्ती करने का आप देखो तो आप जिंदगी कोई भी वर्ल्ड में जाए कहीं पे भी मसाई मारा में आप जाइए लायन रहे वहाँ पे अफ्रीका में, बट यहाँ पे गाय भैंस भेड़ बकरियाँ रख के लायन के बीच में आपको नेस मिलेगा जो मालदारी लोग का है, और वो कोई दिक्कत नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं रहती, सब मिलजुल के रहते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर इतना टाइम देने के लिए और काठियावाड़ी के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए, धन्यवाद।